So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ केराटोकोनस का सबसे लेटेस्ट इलाज, जिसको हम लोग कहते हैं टी कैट विथ C3R। तो इस इलाज में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि पेशेंट का कॉर्निया जो ख़राब हो गया केराटोकोनस से, उसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हैं और साथ ही साथ पेशेंट का थोड़ा सा नंबर भी ठीक कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशन के बाद पेशेंट चश्मे से बहुत कंफर्टेबल हो जाए। और अगर बाद में पेशेंट चाहता है तो हम चश्मा भी हटा सकते हैं ICL से। तो ये प्रोसीजर जो है बेसिकली दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं और फिर पेशेंट को दूसरे OT में शिफ्ट करके वहाँ पर C3R करेंगे। तो पहला स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ लेज़र का। तो सबसे पहला स्टेप है लेज़र का। तो अब हम लेज़र के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेशेंट अपनी पोजीशन पे पूरी तरह से सेट है। अलाइन, ठीक है, हरे बच्चे देखते रहना। वेरी गुड, स्टार्ट। अलाइन, सो पेशेंट बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से है, एंड क्योंकि पेशेंट बहुत ही दूर से आए हुए हैं दिल्ली ट्रीटमेंट कराने, तो हम पेशेंट के दोनों आँखों का ट्रीटमेंट आज ही कर रहे हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट थोड़े से अनकंफर्टेबल रहेंगे, हफ्ता 10 दिन नज़र थोड़ी धुंधली रहेगी, लेकिन उनकी बार बार जो विज़िट होगी हॉस्पिटल में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दोनों आँखों का ट्रीटमेंट हम एक ही दिन कर रहे हैं। तो एक आँख का हमने कर दिया टी कैट, अब दूसरी आँख को शुरू करेंगे। सामने देखो बच्चे, सामने देखो कृष्णा, ग्रीन लाइट। हाँ, तो अगेन सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने राइट में करे हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा लेज़र से स्मूथनिंग करेंगे और फिर C3R करेंगे दोनों आँखों में। चलो बच्चे सामने देखो हरी बत्ती। हाँ, हिलना नहीं हरी बत्ती से अब। वेरी गुड, राइट। तो दोनों आँखों का हमने टी कैट ट्रीटमेंट कर दिया है लेज़र से, और बस अब हम दूसरी OT में जा रहे हैं और वहाँ पे हम पेशेंट का C3R करेंगे। C3R से कॉर्निया को बेसिकली हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि कॉर्निया वहाँ पे फ्रीज हो जाए। इसके बाद करीब 6 महीने से 1 साल लगेगा आँख को पूरी तरह से हील होने में, और उसके बाद पेशेंट चश्मे के साथ भी कंफर्टेबल है। चश्मा नहीं पहनना तो ICL डलवा के चश्मा हटवा भी सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ C3R कैसे होता है। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा? तो थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूँ कि हम इस ट्रीटमेंट में कर क्या रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल इंसान की जो काली पुतली होती है वो बिल्कुल गोल होती है, ठीक है, लेकिन केराटोकोनस में ये जो काली पुतली है ये कुछ इस तरह की हो गई। ओके, तो टी कैट में हम क्या कर रहे हैं कि हम इस काली पुतली की शेप को थोड़ा सा ठीक करते हैं, और ये जो चोंच सी निकली हुई है इसको हमने लेज़र से उड़ा दिया। तो पेशेंट की काली पुतली स्मूथ हो गई, दोबारा गोल हो गई। अब इसके ऊपर हमने C3R करा और इसको यहीं पे फ्रीज कर दिया। राइट, तो मैं अभी आपको लेज़र वाला पार्ट दिखा चुका हूँ, अब C3R वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। C3R शुरू करने से पहले ऑफकोर्स पहले हम पेशेंट को प्रॉपरली दोबारा क्लीन करेंगे। सो ये आप देख रहे हैं बीटाडीन सॉल्यूशन से पेशेंट को क्लीन करा जा रहा है, फिर पेशेंट को प्रॉपरली ड्रेप करा जाएगा एक एसेप्टिक शीट के साथ, एंड देन हम फिर शुरू करेंगे। सो C3R में जो हम डाई यूज़ कर रहे हैं, राइबोफ्लाविन डाई, वो यूज़ कर रहे हैं दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की डाई जो पेशके कंपनी बनाती है। तो इंडियन डाइस को हम यूज़ नहीं करते, इम्पोर्टेड डाइस, बेस्ट क्वालिटी डाई को हम यूज़ करते हैं। सो ये पेशके कंपनी की राइबोफ्लाविन डाई है, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की डाई। डाई को हम लोग 25 मिनट के लिए डालेंगे, आँख को अच्छे से हम सोक करेंगे, फिर हम 10 मिनट के लिए UV रेडिएशन डालेंगे जिससे क्रॉस लिंकिंग होगा।
सामने देखो, तो ये आप देख रहे हैं जो हम लोग C3R की मशीन यूज़ करते हैं वो सबसे लेटेस्ट मशीन है दुनिया की, जो पेशके की मशीन है, ये आप देख सकते हैं पेशके। और इसमें स्पेशल फीचर ये है कि इसमें आई ट्रैकिंग का फीचर होता है, तो ये आंख की मूवमेंट को ट्रैक करती है और यूवी लाइट को बिल्कुल परफेक्टली डिलीवर करती है। तो ये लेटेस्ट मशीन है आजकल जो केराटोकोनस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस ट्रीटमेंट को देख के आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि आजकल केराटोकोनस के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स कैसे करे जाते हैं। बाकी आपके मन में और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफ कोर्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।